हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने पीके क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की डीएसएसपी 2024 में कुछ वैकेंसी आई हैं, जिसमें बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि किस एग्जाम में सीटेट जरूरी है, किस एग्जाम में सीटेट जरूरी नहीं है। तो आज ही इस विषय में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और आपको क्लियरिटीज के तहत बता दिया जाएगा कि किसमें सीटेट चाहिए, किसमें सीटेट नहीं चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो, नर्सरी, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए। अगर हम नर्सरी की बात करो तो इसमें सीटेट की आवश्यकता नहीं होती है, सीटेट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें डिग्री चाहिए होती है। डिग्री क्या, जैसे एनटीई होता है, एनटीटी होता है, या बीएलएड नर्सरी में आपने कर रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इसमें आप याद रखिएगा, 2 घंटे का पेपर होता है और 200 क्वेश्चन आते हैं और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक जनरल पेपर होता है, एक सब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है। ये नर्सरी के लिए था। अगर पीआरटी की बात करूं, पीआरटी का पेपर 1 होता है एक, और उसमें जो आपका सीटेट होता है उसमें कितने तक कट ऑफ, मतलब कितने नंबर होने चाहिए जब सीटेट होने चाहिए नंबर कि आप उस एग्जाम को दे सकते हैं। तो जनरल के 90 रखा गया है, ओबीसी के लिए 82 रखा गया और एससी एसटी के लिए भी 82 नंबर रखा गया। अगर आपके इतने नंबर है तो आप पीआरटी का एग्जाम दे सकते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस है, इसमें बस आपकी क्वालिफिकेशन में बीएड होना चाहिए या डीएलएड होना, बीईएलएड होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये आपकी डिग्री आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपका पेपर 2 घंटे का होगा, एक जनरल होगा, एक सब्जेक्टिव होगा, सेम प्रोसेस है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर बात करूँ टीजीटी की, टीजीटी में पेपर 2 भी देना पड़ता है, या एसएसटी के लिए भी है आप, तब भी आपको वो पेपर देना पड़ता है। इसमें भी सेम है, बीएड होना चाहिए, डीएलएड कर लो, दोनों में से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसमें भी सेम, 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो गई। इसमें सीटेट चाहिए, हाँ इसमें भी सीटेट चाहिए होता है, ठीक है। तो आपका अब तक नर्सरी, पीआरटी और टीजीटी में आपका सीटेट चाहिए है। सीटेट के जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो 90 जनरल है, ओबीसी 82 है, एससी एसटी भी 82 है। तो इतने नंबर आपके हैं तो आप इस पेपर के लिए एलिजिबल है, आप इस पेपर को दे सकते हैं। कब दे सकते हैं, जब आपके पास स्पेसिफिक जो डिग्री बोला गया, जैसे डीएलएड होना चाहिए आपके पास, वीएलएड होना चाहिए, अगर इनमें से कोई है तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। अगर नर्सरी के लिए वही मैंने आपको बताया, एनटीई एक स्पेसिफिक कोर्स होता है, एनटीटी कोई एक कोर्स होता है, या बीएड में भी आपने नर्सरी में कर रखा है तब आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें पेपर का पैटर्न मैंने बताया, एक जनरल पेपर होता है और एक आपका स्पेसिफिक सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो इसमें नेगेटिव जो मार्किंग है वो 1/4 की है, यानी कि आपके 4 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन आप गलत होने पर एक क्वेश्चन काट लिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पीजीटी। पीजीटी में आपका कोई भी सीटेट नहीं होता है, और अगर सीटेट नहीं होता तो उसमें उनके नंबर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि कितने क्वालिफिकेशन, क्योंकि सीटेट उसमें नर्सरी और पीजीटी में सीटेट का कोई रोल है नहीं, केवल पीआरटी और टीजीटी में सीटेट रखा गया, ठीक है। तो इसमें पीजीटी में आपका याद रखिएगा, आपकी क्वालिफिकेशन सेम है, आपका वो होना ही होना चाहिए, पीजी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है पेपर का, क्योंकि इसमें 300 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग आपकी उतना ही है जितना मैंने बताया, 1/4 आपको, मतलब 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा, मतलब कह सकते हो 0.25% की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अभी जो वैकेंसी निकली है उसके हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप किस चीज के लिए आप एलिजिबल है, किस चीज के लिए आप एलिजिबल नहीं है, किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, किस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, नर्सरी के लिए सीटेट नहीं चाहिए, पीआरटी और टीजीटी के लिए सीटेट चाहिए, और पीजीटी के लिए सीटेट नहीं चाहिए। नर्सरी के लिए आपका स्पेसिफिक डिप्लोमा होता है, जैसे एनटीई हो गया, एनटीटी हो गया, या बीएड कर रखी हो आपने नर्सरी के अंदर। अगर पीआरटी की बात करूं, पीआरटी में डीएलएड होना चाहिए आपके पास, या वीएलएड होना चाहिए, कोई भी एक है तो आपका हो जाएगा। इसमें सीटेट में क्वालिफाइंग मार्क जो रखा गया वो 90 जनरल, 82 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस भी 82 है, और एससी एसटी भी आपका 82 है। टीजीटी की बात करूं, इसमें पेपर 2 होता है, पेपर 2 या एसएसटी मान लीजिए, अगर एसएसटी के लिए जाते हैं तो इसमें बीएड आपका डीएलएड दोनों होता है, और इसमें पेपर का जो हमने बताया पैटर्न, 2 घंटे का पेपर, 200 क्वेश्चन, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। पीजीटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको पीजी होना चाहिए, और इसके अलावा 300 क्वेश्चन आते हैं, 3 आवर्स होता है, नेगेटिव मार्किंग आपके उतना ही होता है जितना मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो से आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि आप किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है, उसी हिसाब से आप देखिएगा। और आगे दिल्ली की जितनी वैकेंसी आएगी उसमें आपको अपडेट इसमें मिलता रहेगा। अभी मेरे साथ एक मैडम और जुड़ेंगी, तो हम वो उनको दिल्ली का बहुत ज़्यादा आइडिया, उन्होंने बहुत पेपर दे रखे हैं, तो उनका भी आपके साथ हम नॉलेज शेयर करेंगे। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।